हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ विकास। तो यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ को, और इस वीडियो में देखेंगे जून मंथ के टॉप करंट अफेयर जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स व डेली जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट सेलेक्टिव एंड काफ़ी जरूरी रहेंगे आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये सेशन जो है दोस्तों हमारा बाइलिंगुअल होता है, ताकि किसी भी लैंग्वेज प्रेफरेंस एस्पिरेंट को प्रॉब्लम ना हो। मोर ओवर दोस्तों, अगर आपके पास कोई सजेशन हो हमारे लिए या फिर आपका अपना कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके साथ दोस्तों, अगर हमारे साथ रेगुलर बना रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, एंड वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पूरी वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हाल ही में सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक है दोस्तों 1924-1966 के बीच जो है सावरकर के ऊपर यहाँ पे बुक लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? नाम याद रखेंगे, विक्रम संपत के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे दोस्तों, पुरस्कृत हैं, इतिहासकार हैं ये एक, और लेखक हैं विक्रम संपत, जिन्होंने वीर सावरकर के जीवन और उनके कार्यों पर ये बुक का दूसरा और समापन खंड लिखा है, जिसका नाम है सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी। तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ये था इसके बारे में जानने को, और यहाँ पर आप कवर पेज देख पाएंगे इस बुक का, जिसको यहाँ पर विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, कौन हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बन गए हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा झांग होंग। दोस्तों यहाँ पर झांग होंग के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो हैं दोस्तों, ये पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति बन चुके हैं। और यहाँ पर नोट करेंगे कि चीन के 46 वर्षीय शख्स जो हैं झांग होंग, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे जो हैं वो नेत्रहीन बन चुके हैं। एंड यहाँ पर इनको ही आप इमेज में देख पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होंगे दोस्तों, तो वीडियो को स्किप ना करें एंड ध्यान से अंत तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके द्वारा हाल ही में अपनी नई पुस्तक स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? लिखी गई दोस्तों रवि शास्त्री के द्वारा। यहाँ पर पुस्तक स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ जो है इनके द्वारा लिखी गई है। क्या कुछ यहाँ पर नोट करने का है वो आप यहाँ पर देखेंगे। रवि शास्त्री की पहली पुस्तक है दोस्तों ये स्टारगेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर में मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। तो यहाँ पे इस बुक के बारे में यहाँ पे बता दिया है, और यहाँ पर आप कवर पेज भी देख पाएंगे। इस बुक को लिखा गया है रवि शास्त्री जी के द्वारा, स्टारगेजिंग, तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन संगठन स्टीडफास्ट डिफेंस 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? अगर हम यहाँ पे स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास की बात करें तो ये नाटो के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। तो ध्यान में रखेंगे, नाटो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाटो ने जो है स्टीडफास्ट डिफेंडर 21 वार गेम सैन्य अभ्यास का यहाँ पर आयोजन करवाया है। क्या कुछ जानने को है तो यहाँ पर नोट करेंगे। नाटो की फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, आल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अटलांटिक एलियंस जिसे हम इसे बोलते हैं, जिसकी स्थापना जो दोस्तों 1949 में US में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है हाल ही में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, हाल ही में किसके द्वारा 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी गई है? इस बुक के जो लेखक हैं दोस्तों उनका नाम है विनोद कापड़ी। इनके द्वारा 1232 द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक ये है लिखी गई है, और यहाँ पर इसका कवर पेज भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि WHO द्वारा हाल ही में भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरियंट का नाम क्या रखा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी चर्चा में है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो इसका नाम रखा है वो डेल्टा वेरियंट इसका नाम रखा गया है WHO के द्वारा, तो ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़रूरी है। एंड यहाँ पर जानने के लिए आपको क्या होगा तो नोट करेंगे कि WHO ने दोस्तों भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के जो वेरिएंट का नाम है दोस्तों, पहले इसका नाम था B16172 स्ट्रेन, जिसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा गया है, जबकि भारत में मिले पहले वेरिएंट का नाम था B16171 स्ट्रेन, जिसको दोस्तों कप्पा नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें WHO के बारे में तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पूछ लिया जाता है। एंड इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसने हाल ही में पुस्तक ऑल यू नीड इज जोश स्टोरी ऑफ क्रेज एंड कन्वेक्शन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया जो है वो लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? सुप्रिया पॉल के द्वारा यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है, और यहाँ पर आप कवर पेज भी देख पाएंगे। ये जो बुक है दोस्तों ये सुप्रिया पॉल के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं? प्रदीप चंद्रन जो है दोस्तों, यहाँ पर इमेज में आप देखेंगे ये हैं प्रदीप चंद्रन,
जिनको यहाँ पर असम राइफल के लिए नए महानिदेशक निदेशक के रूप में चुना गया है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए कितने रुपये का अनुदान मिला है। काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बिग अमाउंट यहाँ पर आप देखने को मिलेगी। तो जल जीवन मिशन के तहत दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के लिए जो है यहाँ पर पैसा जो मिला है वो 7,000 करोड़ रुपये का जो है दोस्तों यहाँ पर अनुदान मिला है। और यहाँ पर बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो बेसिक डिटेल्स आप सभी को पता होना चाहिए। कैपिटल है कोलकाता, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 23, गवर्नर कौन है दोस्तों अभी जगदीप धनखड़, और सीएम जो है वो ममता बनर्जी हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 42 हैं एंड राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 16, एंड यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में कौन इसराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। काफ़ी चर्चा में रहता है इसराइल, इसलिए इसके राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर जानना जरूरी है। इसराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इशाक हरजोग, और यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे इशाक हरजोग दो है दोस्तों, ये 11वें नंबर के प्रेजिडेंट बने हैं इसराइल के, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि इसराइल जो संसद है दोस्तों उसका नाम है नेशेट, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछ ली जाती है। एंड इसराइल जो है दोस्तों वो कंट्री है इन मिडल ईस्ट में। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। इसराइल कैपिटल कौन सी है दोस्तों, तो यरूशलम जो है इसकी कैपिटल बोली जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका इसराइल है, एंड मैप के थ्रू आप यहाँ पर इसके जो है नेबर कंट्रीज उनको भी देख सकते हैं, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट जो है इसकी सीमा से लगते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि हाल ही में 2021 की टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है। अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, और इसमें दोस्तों सिंगवा यूनिवर्सिटी जो है 2021 में टॉप पर रही है, तो ध्यान में रखें काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे क्या जानने को है तो ये जानेंगे, सिंगवा यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों ये चीन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है, और जो दूसरा स्थान है दोस्तों वो चीन की पैकिंग यूनिवर्सिटी ने स्थान प्राप्त किया है, तो ध्यान में रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जानने को मिलेगा कि इसमें भारत की ओर से जो है दोस्तों IISc बेंगलोर है दोस्तों, जिसका नंबर यहाँ पर 37वें नंबर पर रही है, तो इसको भी आप जरूर से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि हाल ही में कहाँ पर मेंढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मेरा पाई गई है। अगर हम इस प्रजाति की बात करें कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेंढक पाया गया है चॉकलेटी ब्राउन कलर में दोस्तों, और इसका जो है दोस्तों इस प्रजाति का नाम है ये है न्यू गिनी में पाई गई है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे देख सकते हैं न्यू गिनी में मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है लिटोरिया मीरा के नाम से इस पर रखा गया है। और यहाँ पर नोट भी करेंगे कि वैज्ञानिकों ने इसे चॉकलेट फ्रॉग के नाम से बोला गया है, वैज्ञानिकों ने इसे मेंढक का जो है लेटिन नाम लिटोरिया मीरा रखा है, जिसका अर्थ है आश्चर्य या फिर अजीब, तो ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। न्यू गिनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोट करेंगे आइलैंड है जो एक ऑस्ट्रेलिया में है, राजधानी है जिसकी पोर्ट मोरेस्बी, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में जारी FIH विश्व रैंकिंग में किस देश की हॉकी टीम शीर्ष पर रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर हॉकी टीम बेल्जियम जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा, तो बेल्जियम की टीम जो है दोस्तों FIH विश्व रैंकिंग में हॉकी टीम में यहाँ पर शीर्ष पर रही है। अपने देश भारत की बात करें तो भारत जो है दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर पर आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या नोट करने का है तो ध्यान में देंगे FIH जिसका मतलब है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। एंड CEO हैं यहाँ पर थेरी वेल, यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो पेरिस फ्रांस में हुई थी 1924 में, इस चीज़ को भी आप जरूर से नोट करेंगे। FIH की फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर E100 प्रोजेक्ट जो है उसकी शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है दोस्तों ये किया गया है पुणे में, और यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर E100 प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है पुणे में, और इसके बारे में आप नोट करेंगे। पुणे में शुरू हुआ इथेनॉल उत्पादन के लिए E100 पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों ये, जो विश्व पर्यावरण के दिवस पर शुरू किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर नोट करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। तो ये योजना है दोस्तों ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान राज्य के द्वारा आरंभ की गई है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या फिर अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी कोचिंग का लाभ ले सकेंगे। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। इस जो है योजना का ये उद्देश्य है, आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान राज्य के बारे में, तो बेसिक डिटेल्स आप सभी को जानना है। कैपिटल है यहाँ पे जयपुर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है 33, गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्र, CM है अशोक गहलोत, लोकसभा की सीटें की अगर हम बात करें तो 25 हैं, राज्यसभा सीटें जो हैं वो 10 हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसने हाल ही में फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता है दोस्तों, इनका नाम है डेविड डियोप। यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे, इन्होंने इस बुक के लिए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो है यहाँ पे, इसके लिए इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। डेविड डियोप हैं इनका नाम। एंड यहाँ पर आप नोट करेंगे, डेविड डियोप दोस्तों अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर जो है पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी जरूरी है, ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन है, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा यौन टैब योजना 2021 आरंभ की गई है। तो यहाँ पर जो ये योजना है दोस्तों, ये लद्दाख के द्वारा की गई है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के द्वारा यौन टैब योजना 2021 आरंभ की गई है। लद्दाख के बारे में जानते हैं क्योंकि हाल ही में चर्चा में है काफ़ी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है वो बना था एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिर्फ दो हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दोस्तों यहाँ के वो हैं आर के माथुर। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में है, जिसके चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। तो लद्दाख में जो नेशनल पार्क हैं वो जरूर याद रखेंगे, हेमिस नेशनल पार्क, और जो है दोस्तों यहाँ पे चंतंग सेंचुरी है वो भी यहीं पर है, तो ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दोस्तों यहाँ पे विश्वामित्री नदी परियोजना जो है वो गुजरात राज्य के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, गुजरात राज्य ने यहाँ पर इसको मंजूरी दी है। और यहाँ पर गुजरात के बारे में बेसिक डिटेल्स जानते हैं, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 33 हैं, कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ पर जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं आचार्य देवव्रत। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पर जो नाच है दोस्तों वो कौन कौन से फेमस हैं, डांडिया, गरबा, टिपाणी, ये काफ़ी फेमस हैं ओंडिया। एंड यहाँ पर जो है फेस्टिवल एंड फेयर की बात करें तो रन उत्सव, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, तो ये सभी जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा राज्यसभा की सीटें जरूर ध्यान में रखेंगे, गुजरात की लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 11, और गुजरात जो है दोस्तों यहाँ पे तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है गुजरात। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप नोट करेंगे एनजीटी के बारे में, एनजीटी क्या है दोस्तों, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। एंड यहाँ पर अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। आगे क्वेश्चन अगर देखें तो हाल ही में नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो थॉमस विजन दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, थॉमस विजन को नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड यहाँ पर आप इमेज में कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह की इन्होंने ये इमेज क्लिक की थी जिसके लिए इनको ये प्राइज मिला है। और क्या जानने को है तो देखते हैं, यहाँ पर केरल के हैं दोस्तों ये थॉमस विजन जो अब कनाडा में बस गए हैं। इन्होंने एक पेड़ पर चिपके एक औरंगुटान की तस्वीर के लिए साल 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है। इस तस्वीर का शीर्षक है द वर्ल्ड इज़ गोइंग साइड डाउन, ये इस जो है तस्वीर है दोस्तों उसका शीर्षक रखा गया है, और यहाँ पर इसके लिए इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर्मूला वन की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में किसने जीता है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है दोस्तों इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने। तो यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा सकते हैं, ये हैं सर्जियो पेरेज जिन्होंने अजरबैजान के इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हाल ही में किस देश की महिला धावक सिफान हसन ने 10,000 मीटर की दूरी सिर्फ 29 मिनट 6 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये है दोस्तों नीदरलैंड की अगर हम कैपिटल बात करें तो एम्स्टर्डम जो है कैपिटल है, और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं महिला धावक शिफान हसन जिन्होंने 10,000 मीटर की दोस्तों रेस को 29 मिनट 6 सेकंड में पूरा किया है। कहाँ की है, नीदरलैंड की, याद रखेंगे नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 22, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है दोस्तों, और यहाँ पर नोट करेंगे कैपिटल सिटी है बेंगलुरु कर्नाटका की, एंड ये दोस्तों स्टेट इन साउथ इंडिया लाई करती है। आगे बढ़ें, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो स्कूली शिक्षा के लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करें तो शीर्ष पर रहा है दोस्तों पंजाब राज्य। पंजाब राज्य जो है दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पर रहा है। और यहाँ पर भारत के शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें हाल ही में कौन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो यहाँ पर ये भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे, पंजाब राज्य की बात आई है तो इसके बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। कैपिटल आप सभी को पता होना चाहिए चंडीगढ़ है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23, गवर्नर हैं वीपी बदनौर, और यहाँ पर जो सीएम हैं वो हैं अमरिंदर सिंह। लोकसभा की सीटें हैं 13 और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 7 हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर है आपके, हाल ही में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी चर्चा में रहा है, यह किस राज्य का 6th राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सही आंसर आपका होगा असम दोस्तों। तो असम जो है दोस्तों वो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर बनाया गया है, जो 6ठा नंबर पर राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इसके अलावा इसमें जानने को है काफ़ी कुछ, वो हम देखते हैं। इसके अलावा आप नोट करेंगे दोस्तों, देहिंग पटकाई भी वन्य जीव अभयारण्य है,
जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इससे पहले जो असम के पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में भी एक नज़र डालेंगे, तो इन दोनों को आपने ज़रूर याद रख लेना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है दोस्तों वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह असम राज्य के गोलाघाट, कार्बी ओंगलोंग और नागांव जिले में स्थित है, तो ये भी आप इनके बारे में रीड कर सकते हैं। और सेकंड जो है दोस्तों वो मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थर्ड है नामेरी एंड फोर्थ है औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है। फिफ्थ है दोस्तों डिब्रू शेखवा राष्ट्रीय उद्यान जो भी असम में है। और इसके अलावा छठा और सातवां हमने ऊपर ही देख लिया है, तो ये 7 जो हैं अभी हाल ही में असम राज्य में बनाए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कैपिटल है दिसपुर और डिस्ट्रिक्ट है 33। इंपॉर्टेंट पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू, नमेरी, राजीव गांधी बोर्नेडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नर है यहाँ पे जगदीश मुखी और यहाँ पर जो सीएम है वो है हेमंता बिश्वा शर्मा। एंड यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं 14 और 7, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन है पुस्तक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों ये विजय गोखले के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर इसका कवर पेज एंड विजय गोखले जी की यहाँ पर तस्वीर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता है। ये जो अवार्ड है दोस्तों ये जीता है डॉक्टर चारू खोसला के द्वारा, तो यहाँ पर ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जो है वो डॉक्टर चारू खोसला के द्वारा जीता गया है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं, तो हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला देश बन गया है बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाला, तो EL सेल्वाडोर जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। EL सेल्वाडोर जो है दोस्तों वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पर आप नोट भी करेंगे EL सेल्वाडोर जो देश है दोस्तों एक कंट्री कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका में लाई करता है, जिसकी करेंसी यहाँ पर अब बिटकॉइन बना दी है। इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जो है US डॉलर भी चलता है। सैन सेल्वाडोर की जो कैपिटल है दोस्तों वो EL सेल्वाडोर की जो कैपिटल है वो सैन सेल्वाडोर है। एंड यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है नायब बुकेले यहाँ पर प्रेसिडेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसने हाल ही में US महिला ओपन गोल्ड टूर्नामेंट जीता है। तो US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट यूका शांशो के द्वारा यहाँ पर जीता है। इमेज में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये हैं जिन्होंने US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन हाल ही में नियुक्त हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें फुटबॉल एसोसिएशन में पहली महिला अध्यक्ष डेबी हैविट इनका नाम है, जो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो नोट करने की चीज़ है वो आप ध्यान देंगे कि फुटबॉल एसोसिएशन का जो गठन है दोस्तों वो 1986 में हुआ था। FA इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की जो है गवर्निंग बॉडी है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति संजय यादव को हाल ही में किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल ही में संजय यादव जो हैं वो हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। इमेज में आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसने हाल ही में इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों नफ्ताली बेनेट, तो ये भी आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। जैसे कि हमने ऊपर इसराइल के राष्ट्रपति के बारे में बात करी, इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे और यहाँ पर नफ्ताली बेनेट जो हैं हाल ही में इसराइल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसराइल की कैपिटल की अगर हम बात करें तो जेरूशलम इसराइल की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि किसके द्वारा हाल ही में पुस्तक होम इन द वर्ल्ड लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड अमृत सेन यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बढ़ें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा आरंभ किया गया है। एंड यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में जानने को आपको मिलेगा, तो जानेंगे कैपिटल जो है वो भोपाल, डिस्ट्रिक्ट आप सभी को याद रखने हैं 52 है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय माधव, पन्ना, पेंच, वन विहार, ये सभी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो रीजन है एंड इसके नेबर जो स्टेट हैं उनको भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, CM है शिवराज सिंह चौहान और लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11, याद रखें। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किसके द्वारा हाल ही में बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स नामक पुस्तक लिखी गई है। ये जो बुक है दोस्तों ये लिखी गई है विष्णुपद शेट्टी के द्वारा, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोइम्स नामक जो बुक है ये लिखी गई है, कवर पेज आप यहाँ पे देख पाएंगे इस बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसने हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब 2021 को जीत लिया है। यहाँ पर नोवाक जोकोविच के द्वारा दोस्तों फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब जो है 2021 जीत लिया गया है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
किसने हाल ही में फ्रेंच ओपन अगर महिला एकल टेनिस खिताब 2021 की बात करें तो ये जीत लिया गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। यहाँ पर फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब और यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे ये हैं बारबोरा क्रेजिकोवा जिन्होंने इसे जीत लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय मूल के किस पत्रकार ने हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीत लिया है। अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार 2021 को जीता है तो मेघा राजगोपालन ने एंड यहाँ पर आप इनकी भी इमेज देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर बढ़े अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्राणवायु देवता पेंशन योजना आरंभ की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राणवायु देवता पेंशन योजना दोस्तों आरंभ की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा और हरियाणा राज्य की यहाँ पर बात हुई है तो कैपिटल है चंडीगढ़ जो पंजाब की भी कॉमन कैपिटल है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 22। गवर्नर की बात करें तो सत्यनारायण आर्य जो है यहाँ पर गवर्नर है, सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी एंड यहाँ पर लोकसभा की सीटें एंड राज्यसभा की सीटें हैं 10 और 5। आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो गूगल जो कंपनी है दोस्तों तो गूगल कंपनी द्वारा यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल निर्माण की जा रही है। कुछ इस तरह से इसका जो है मैप यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर जो लगाने की अभी सोचा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो टेक कंपनी आप नोट करेंगे जो गूगल कंपनी है दोस्तों इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है और यहाँ पर जो है इंटरनेट कनेक्शन को जो है सब क्षमता को मजबूत करते हुए किस किस राज्य से जो है निकलेगी तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना को जोड़ेगी। गूगल के मुताबिक दोस्तों फर्मिना नामक यह केबल दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल होगी जिसका नाम है फर्मिना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें तो गूगल के बारे में आप नोट करेंगे CEO हैं हाल ही में सुंदर पिचाई एंड यहाँ पर जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। आगे बढ़ दें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किसने हाल ही में गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है। इस किताब को जीतने वाले दोस्तों डी गोकेश हैं एंड यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे जिन्होंने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 41 में तो हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन देश शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप पर रहा है इंडोनेशिया एंड इसमें अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत 14th नंबर पर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस क्रिकेटर ने हाल ही में अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है। तो सुरेश रैना जी के द्वारा यहाँ पर दोस्तों आत्मकथा बिलीव जारी की गई है, कवर पेज आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा हाल ही में किसने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो विनेश फोगाट आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम की जो श्रेणी है दोस्तों उसमें स्वर्ण पदक जीता है एंड यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे विनेश फोगाट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में तुलु भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए कहाँ पर अभियान आरंभ किया गया है। तुलु भाषा को जो आधिकारिक भाषा देने का जो दर्जा है दोस्तों ये अभियान शुरू हुआ है केरल और कर्नाटका में, ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है, काफ़ी चर्चा में ये रहा है एंड यहाँ पर नोट करेंगे दोस्तों तुलु भाषा के बारे में थोड़ा सा। तो तुलु भाषा एक द्रविड़ भाषा है। भारतीय संविधान का अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का भाग जो है दोस्तों आपको यहाँ पर 17वां अनुच्छेद 343 से 351 में दोस्तों राजभाषाओं के बारे में बताया गया है तो ये भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया है। क्वेश्चन 45 है एंड यहाँ पर इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में दोस्तों रज महोत्सव मनाया जाता है कुछ इस तरह से एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कैपिटल जो है दोस्तों वो भुवनेश्वर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 30, गवर्नर हैं गणेशी लाल, सीएम हैं नवीन पटनायक जी एंड यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर सामने होगा कि हाल ही में भारत के मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है। तो वो एक स्प्रिंटर हैं, धावक है दोस्तों, काफ़ी फेमस हैं, आप सभी को पता है। तो भारत के मिल्खा सिंह जो है वो 91 वर्ष की आयु में अभी उनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर इसके अलावा नोट करेंगे दोस्तों तो हरियाणा सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर यहाँ पर दोस्तों एक पैराग्लाइडिंग क्लब भी खोलने की घोषणा की है, इस चीज़ को भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है हरियाणा राज्य के द्वारा एंड यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है इनकी मिसेज एंड ये हैं मिल्खा सिंह। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 है, हाल ही में किस राज्य की निशानेबाज रूबिना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो मध्य प्रदेश की हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश राज्य की निशानेबाज हैं रूबिना फ्रांसिस जिन्होंने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख पाएंगे। मध्य प्रदेश की बात आई है तो जैसे कि हमने देखा भोपाल इसकी कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट 52 है, इंपॉर्टेंट है पार्क एंड जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो जरूर से याद रखेंगे, बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, संजय माधव एंड गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, सीएम है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। शांति सूचकांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइसलैंड विल बी द करेक्ट आंसर, आइसलैंड जो है वो टॉप पर रहा है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो 135वें नंबर पर भारत रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। आइसलैंड की बात आई है तो आइसलैंड जो है दोस्तों वो यूरोप में लाई करता है, कैपिटल इसकी रेकजेविक है एंड यहाँ पर जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, सिर्फ 3 लाख
67,800 जो है यहाँ पर लोग रहते हैं। एंड मैप के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस लें तो यहाँ पर जो है ये आइसलैंड लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर ताइक्वांडो पहले एथलीट बने हैं दोस्तों अरुणा तंवर, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले अरुणा तंवर जो है दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, इमेज में भी आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता है। इस अवार्ड को जीता है दोस्तों श्याम सुंदर ने, एंड यहाँ पर इमेज में आप देख पाएंगे ये हैं श्याम सुंदर जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन इसके साथ देखते हैं तो हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो हाल ही में ईरान देश के दोस्तों राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी, तो यहाँ पर आपका ईरान बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ईरान जो है दोस्तों वो मिडल ईस्ट में लाई करता है जिसकी कैपिटल है तेहरान, और ये आप यहाँ पे इमेज देख पाएंगे इब्राहिम रईसी हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि किसके द्वारा हाल ही में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है वो जीत ली गई है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों ये मैक्स वर्स्टापन ने जीती है जो रेडबुल कार ड्राइवर है, एंड यहाँ पर इमेज में भी आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है किसने हाल ही में पुस्तक द नट मैगश कर्स को लिखा है। इस बुक को लिखा है दोस्तों अमिताभ घोष जी ने, एंड यहाँ पर इसका नाम है द नट मैगश कर्स, एंड यहाँ पर इनकी इमेज भी आप देख पाएंगे, कॉर्पेज भी आप देख पाएंगे इस बुक का अमिताभ घोष के द्वारा, यहाँ पर द नट मैगश कर्स जो है बुक लिखी गई है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी आरंभ जो है योजना की गई है। इस योजना को आरंभ किया है बिहार राज्य ने दोस्तों, तो बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है वो आरंभ की है। इसके बारे में आप जानेंगे यहाँ पर नोट करेंगे। इस योजना में दोस्तों बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर ये योजना आरंभ की है, और इसमें उद्योग स्थापित करने पर दोस्तों 10,00,000 रुपए तक का जो है प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा हम बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं तो कैपिटल आप सभी को पता है यहाँ पर पटना है, एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं 38, गवर्नर हैं फागू चौहान, सीएम हैं नीतीश कुमार, लिटरेसी रेट काफ़ी कम है 63.82, एंड यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 हैं 18 हैं पर 1000 में, ध्यान में रहेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में भारत में हेमिस तचेसु उत्सव मनाया गया है, यह डैश में मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है, यहाँ पर आप देख भी पाएंगे काफ़ी ज़रूरी है। एंड यहाँ पर लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये बना था, डेट अक्सर पूछ ली जा सकती है क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा था, एंड यहाँ पर इसको जरूर से ध्यान में रखेंगे। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 2 हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आर के माथुर हैं, हाई कोर्ट इन जम्मू कश्मीर में है जिसके चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, नेशनल पार्क हेमिश एंड चंतंग जो है यहाँ पर सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि कौन हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट बन गए हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा लॉरेल हबर्ड ने यहाँ पर दोस्तों ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले जो हैं ये पहले ट्रांस एथलीट बन गए हैं। ये हैं कहाँ कर ये आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड के हैं वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड, एंड यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख पाएंगे। इसके साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि किसने अपनी नई पुस्तक द सेवन सिंस ऑफ बींग ए मातृ को हाल ही में लिखा है। ये जो बुक है दोस्तों ये लिखी है ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा, ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ताहिरा कश्यप खुराना ने अपनी नई पुस्तक लिखी है द सेवन सिंस ऑफ बींग ए मातृ या फिर मदर, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एंड ये हैं ताहिरा कश्यप, एंड कवर पेज यहाँ पर इन्होंने शोक रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे देखें तो हाल ही में कहाँ पर दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो असम में ये पौधा लगाया गया है दोस्तों, तो असम राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित एक रबर का पौधा है जो लगाया गया है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से इमेज भी आप शो की गई है देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे असम के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, एंड यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कैपिटल है दिसपुर, एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है 33, इंपॉर्टेंट पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखेंगे काजरंगा, मानस, डिब्रू, नमेरी, राजीव गांधी, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, सीएम हैं यहाँ पर हेमंत बिश्वा शर्मा, एंड यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 हैं एंड राज्यसभा की सीटें 7 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर से IAF की पहली महिला पायलट बनी है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे इमेज में आप देख पाएंगे सही आंसर है इसका माव्या सुदन, इनका नाम है दोस्तों, तो माव्या सुदन जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर से हैं जो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं, एंड यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में बताई है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। कैपिटल श्रीनगर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 28, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा है, एंड यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं वो पंकज मित्तल हैं। प्रमुख डैम है यहाँ पर दुलस्ती सलाल, जो बगलिहार डैम है ये चेनाब नदी पर है, इसके अलावा जो उरी डैम है वो झेलम नदी पर है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है, विंडो 11 जो है वो लॉन्च हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बताया है माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक रूप पर नया विंडो लॉन्च किया है जिसका नाम है विंडो 11, अभी तक जो है विंडो
2010 था, जिसका सक्सेसिव रूप है दोस्तों यहाँ पर 6 साल के बाद 2015 तक यहाँ पर कोई के बाद यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया था, तो अभी जाकर जो है विंडो 11 का अपडेट आया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उसने किस देश के तैराक काइली मैक्योंग ने हाल ही में 100 मीटर बैकस्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यहाँ पर आप इमेज देख पाएंगे, ये है दोस्तों काइली मैक्योंग जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की काइली मैक्योंग ने दोस्तों यहाँ पर 100 मीटर बैकस्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, स्विमर हैं ये। एंड नेक्स्ट हम बढ़े, अगर किसने यहाँ पर पूछा है कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा, यहाँ पर दोस्तों 9th एशियन मिनिस्ट्रियल जो एनर्जी राउंड टेबल होगी दोस्तों उसकी जो आपका यहाँ पे मेजबानी करेगा वो हमारा देश भारत करेगा। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे तो भारत देश जो दोस्तों जो 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश ने हाल ही में इफको द्वारा एक नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अर्जेंटीना में की गई है। तो अर्जेंटीना में इफको द्वारा यहाँ पर एक नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट होगा जो नैनो यूरिया जो है वो लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पर आप नोट करेंगे, इसके अलावा यहाँ पर नोट करेंगे इफको के बारे में बात हुई है तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, एंड इसको हम इफको के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है ध्यान में रखेंगे, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड इसकी जो स्थापना है वो 1967 में न्यू दिल्ली में ही हुई थी, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अर्जेंटीना देश के बारे में आप जानने को यहाँ पर मिलेगा, बात आई है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना जो कंट्री है दोस्तों वो साउथ अमेरिका में लाई करता है, जिसके प्रेसिडेंट है यहाँ पे अल्बर्टो फर्नांडिस। एंड यहाँ पर जो कैपिटल है इसकी वो ब्यूनोस एयर्स है, यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो अर्जेंटीना जो है पैसो चलती है। एंड मैप वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ से आप अर्जेंटीना का जो है वो रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है, यहाँ पर दोस्तों न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर दोस्तों पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है। एंड यहाँ पर आप इमेज में भी इनको देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए नोट करने की चीज़ है, न्यूजीलैंड राजधानी जो है दोस्तों वो वेलिंगटन है, इसके अलावा न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, और जो है यहाँ की मुद्रा जो है करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बन गए हैं, कौन बन गए दोस्तों, तो 20वीं सदी के सबसे बड़े जो परोपकारी व्यक्ति बने हैं वो जमशेद जी नसरवान जी टाटा जो है वो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, ये जो दोस्तों सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कहलाए हैं। एंड यहाँ पर आप इनके बारे में जानेंगे कि परोपकार के मामले में दोस्तों जमशेद जी जो टाटा है दोस्तों इन्होंने बिल गेट्स और उनकी जो पूर्व पत्नी है मेलिंडा इनको भी पीछे छोड़ दिया है, और यहाँ पर इन्होंने 74.6 अरब डॉलर का जो है वो टोटल दान किया है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना 2021 को लागू किया है, तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात राज्य के द्वारा दोस्तों इस योजना को आरंभ किया गया है, कृषि विविधीकरण योजना 2021 को गुजरात राज्य ने यहाँ पर लॉन्च किया है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यह योजना गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में वन बंधु कल्याण योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करेगी, तो यहाँ से इसका जो है क्या एम है वो आपके लिए सामने आता है। नेक्स्ट अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप गुजरात देखेंगे, गुजरात कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, आचार्य देवरिया यहाँ के गवर्नर हैं, सीएम है विजय रूपाणी, जो यहाँ पर फेमस डांस हैं वो डांडिया गरबा एंड टिपानी है, फेस्टिवल फेयर की बात करें तो रन ऑफ उत्सव इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, शाम्बी जी फेयर भी है, एंड मोधेरा डांस फेस्टिवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की बात करें यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 26 और 11 रहेंगी, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस बैंक के द्वारा हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन की प्रक्रिया आरंभ की गई है, तो SBI बैंक के द्वारा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन की प्रक्रिया को आरंभ किया है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आप नोट करेंगे, इसमें कारोबारियों को दोस्तों मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 100 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है, इस लोन को जो है दोस्तों कैश क्रेडिट टर्म लोन एंड बैंक गारंटी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए लिया जा सकता है। यहाँ पर बताई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के बारे में जानने के लिए, तो चेयरपर्सन जो है हाल ही में वो दिनेश कुमार खरा है, एंड यहाँ पर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में प्रदीप सिंह टिवाना जो है किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों यहां पर आप इमेज देखेंगे, ये हैं प्रदीप सिंह टिवाना जो ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त हुए हैं, पहले भारतीय ऐसे बन चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर होगा कि हाल ही में जारी ओर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, अगर हम बात करें ओर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स की तो यहाँ पर जर्मनी दोस्तों इस बार टॉप पर रहा है, इसके अलावा जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है उसमें दोस्तों जापान टॉप पर रहा है। एंड यहाँ पर ओर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा यहाँ पर जर्मनी जो है देश टॉप पर रहा है, यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे, ये है जर्मनी जो यूरोप का एक पार्ट लाई करता है, एंड इसकी जो कैपिटल है दोस्तों जर्मनी की वो है बर्लिन, यहाँ पर जो करेंसी है वो यूरो है। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य हाल ही में कौन घोषित किया गया है, तो भारत का राज्य गोवा है दोस्तों जो पहला रेबीज मुक्त हाल ही में
घोषित किया गया है। एंड यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोवा के बारे में जानना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल यहाँ पर पणजी है, आप सभी को पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिर्फ दो हैं, गवर्नर हैं बी एस कोश्यारी, सी एम है यहाँ के प्रमोद सावंत। एंड यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं दो एंड एक, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो हाल ही में स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीतने वाले हैं दोस्तों मैक्स वर्स्टैपन। एंड यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं रेडबुल का ड्राइवर हैं, इसके साथ ही ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर मंगोलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है वो आर के सबरवाल को दिया गया है। इमेज में आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये हैं आर के सबरवाल, जिन्होंने मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्राप्त किया है। एंड यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पे जानेंगे, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के यहाँ पर अध्यक्ष और दोस्तों CMD रह चुके हैं ये आर के सबरवाल, जिन्होंने यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो है, इसका दूसरा नाम है मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को हम बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है इनको। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके लिए नोट करने के लिए है दोस्तों, मंगोलिया के बारे में राजधानी है उलन बातोर एंड मंगोलिया की जो मुद्रा है यहाँ पे मंगोलियाई तोगरोव है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हाल ही में वो हैं उखना खुरेलशुक। एंड मंगोलिया की बात करें तो यहाँ पर आप पिंक कलर में यहाँ देख पाएंगे चाइना के ऊपर जो है ये मंगोलिया है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर, ये आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी जो है वो किसने लिखी है? इस बुक को लिखा है दोस्तों सुदीप मिश्रा ने। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, पुस्तक दोस्तों वेस्टलैंड बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुदीप मिश्रा के द्वारा ये बुक लिखी है, जो धावक हैं स्प्रिंटर हैं दोस्तों, यहाँ पर दुती चंद उनकी लाइफ के बारे में, जो उनकी समलैंगिकता है उसके बारे में। एंड यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे जून मंथ से वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एक बार सभी जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको हम देखेंगे, जून माह के सभी जो महत्वपूर्ण दिवस आते हैं दोस्तों उन पे भी एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपके सामने है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो 5 जून को दोस्तों हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आपके सामने जो इंपॉर्टेंट है वो है विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 8 जून को दोस्तों यहाँ पर विश्व महासागर दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए कि विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाते हैं, तो 14 जून को जो है दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस या फिर वर्ल्ड डोनर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोवा क्रांति दिवस हर साल कब होता है, 18 जून को दोस्तों गोवा क्रांति दिवस जो है वो 18 जून को आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपके सामने विश्व शरणार्थी दिवस हर साल कब होता है, अगर हम वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात करें तो ये 20 जून को मनाया जाता है। एंड जितने भी ये डेज हैं दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको जरूर से ध्यान में रखेंगे। अगला है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है, तो हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर योगा सेलिब्रेशन किया गया है दोस्तों, जो 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल कब होता है, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। और ये सभी जो है इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर से रिलेटेड। ये वीडियो आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।